तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो आज हम फिर से माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं जावा, वो भी पोजावा लॉन्चर में। तो आज है ना, ये हमारा थर्ड या फोर्थ एपिसोड है, मुझे याद नहीं, आप लोग बताना कौन सा है। तो एक्चुअली क्या है कि आज हम माइनिंग करने जाने वाले हैं। तो देख सकते हो मेरे पास आर्मर है, लेकिन मुझे डायमंड चाहिए। तो सोचा चलो माइन करते हैं और ट्राई करेंगे डायमंड ढूंढने का, वो भी जावा के अंदर। फर्स्ट टाइम पिछले बार ट्राई किया था मैंने, तो एक्चुअली ट्राई नहीं किया था, बस एक तुक्का लगा था, लेकिन मिला नहीं एक्चुअली मेरे को। लेकिन इस बार हम माइनिंग पर जाने वाले हैं। बहुत लोग मेरे से कमेंट में कह रहे थे कि माइन पर चलो, और फाइनली हम माइन पर ही जाने वाले हैं। तो सारा का सारा सामान तो ले लिया, बस है ना हमको थोड़े से टॉर्चेस चाहिए, तो उसके बाद अपना काम हो जाएगा। तो एक्चुअली काम करते, थोड़े से टॉर्चेस बना लेते। और मैं ना थोड़ा सा आयरन लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे को है ना आयरन की पिकेक्स विकेक्स भी चाहिए होगी, ताकि है ना मैं है ना डायमंड को कलेक्ट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़े से ये लकड़ियाँ लगा देता हूँ, ताकि ये स्मेल्ट हो जाए। और थोड़े से मैंने जोम्बी को भी मारा था, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ फटाफट। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और आयरन की पिकेक्स बना कर तैयार हो जाता है, उसके बाद चलेंगे। और यहाँ पे नए विलेजर, जो बेबी विलेजर मैंने इनको बनाया था, वो अभी भी है ना बड़े नहीं हुए, और जो जो बड़े हुए उनको भी काम नहीं मिला। तो यहाँ पे ना मैं थोड़े बहुत सामान लगा दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक मिनट, यहाँ पे कुछ था, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक फार्म बनाता हूँ मैं ना, एक फूड फार्म बनाता हूँ, वीट या पोटेटो या कैरेट वाला, ताकि है ना मैं इनसे ट्रेड कर सकूँ विलेजर से। क्योंकि ट्रेड करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, और मेरे को है ना वो डायमंड के टूल वाले को भी ट्रेड करना है, जो कि यहाँ पे। तो पिछले बार है ना इसने अपना लॉक कर दिया गया था पूरा का पूरा। तो ओके, इसने थोड़ा बहुत सस्ता किया, मैं इसे ट्रेड कर सकता हूँ, बट अभी मेरे पास इतने एमरल्ड नहीं है। काम करता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ ये जो स्वॉर्ड दे रहा है ये कौन सा दे रहा है, ताकि मैं इससे ना मैं ट्रेड कर सकूँ। क्या दे रहा है इसमें? शार्पनेस वन है, ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैं पहले ना आयरन की पिकेक्स बना के चलते हैं माइन करने, और होप करें हम लोग आराम से चले जाए, क्योंकि केव में बहुत ज़्यादा मॉब होते हैं और उतना खतरा मेरे को चाहिए नहीं। तो टोटल सात है ना, इन सात के सात को लेते हैं। और आयरन की है ना मैं सबके सब पिकेक्स तो नहीं, एक ही पिकेक्स बनाता हूँ, सही रहेगा। और पिकेक्स बनाने से पहले ना मुझे लकड़ियाँ भी बनानी पड़ेगी। तो स्टिक कहाँ है, तो एक स्टिक बना लेते हैं हम फटाफट से, और ये बना दिया स्टिक, और उसके बाद पिकेक्स बनाते हैं। तो इसमें ना थोड़ा रेसिपी ढूंढना मुश्किल होता है, बट बनाना थोड़ा इजी ही है, काफ़ी सही है। तो एक काफ़ी सही है, और चार बचे ना, तो चार को मैं रख देता हूँ, कभी काम आएगा। क्योंकि एक मिनट, क्या रखूँ इसके जगह पे? तो ये मेरे पास अनब्रेकिंग टू का हो है ना, तो इसको मैं रखता हूँ, ये काम आएगा अनब्रेकिंग टू का हो, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे सामान है, तो अभी चलते हैं, अभी एक बार इन्वेंट्री चेक करता हूँ। और ये लेगिंग्स है ना, इसको फटाफट पहन लेते हैं। तो मेरे पास आयरन के टूल्स ही है इतने, और कुछ नहीं। तो खाना है मेरे पास, माइनिंग करने के लिए सब कुछ है। तो मैंने ना एक जगह ढूंढ के रखा है जहाँ से हम माइन पे जाने वाले, तो वो माइन मैंने ढूंढ के रखा था, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पे पास में ही है। तो वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टॉर्चेस लगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया था आयरन को माइन करने के लिए, और इस साइड अभी मैं गया नहीं, मैं है ना ये साइड गया था। तो ये साइड मैं ज़्यादा दूर भी नहीं गया हूँ, बहुत ही पास ही गया हूँ, देख सकते हो वहाँ तक गया। वहाँ अभी तो नीचे जाना बाकी है मुझे ना यहाँ से। ओके, मेरे को आयरन ऊपर दिख चुका है, तो ये सही है। हमें ना डायमंड मिले या ना मिले, हमको आयरन बहुत सारा चाहिए। मैं आयरन फार्म भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। मैं आयरन फार्म मतलब बनाने का तो मुझे पता है कैसे बनता है, लेकिन सामान भी तो चाहिए बनाने के लिए, हॉपर वॉपर वो सब चाहिए होते, जो कि मेरे पास नहीं है। तो आयरन फार्म बनाने के लिए भी हमको आयरन की ज़रूरत पड़ती है थोड़ी बहुत। तो उसको देखेंगे आसपास, थोड़े बहुत आयरन है उसको कलेक्ट करते, बस कोई मॉब स्पॉन ना हो जाए यहाँ पे। तो एक मिनट यार, यहाँ पे टॉर्च लगाओ यार फटाफट, कोई क्रीपर आके ना फट जाए, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई, ओके कोई नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है। ये क्यों को एक्सप्लोर करेंगे, और यहाँ पे अगर स्पॉनर वॉनर मिल जाता ना तो हम। एक मिनट, टॉर्च लग जा भाई, यहाँ पे से थोड़ा सा लाइट आ रहा था। ओके, यहाँ पे लावा है, तो चलो हमको, ओके लावा तो वैसे भी बहुत ही कॉमन है ऊपर ही हमारे पास रुइन पोर्टल में। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, पता नहीं कौन से लेवल पे हूँ मैं, और यहाँ से मैं ना काम करता हूँ, कोल ले लेता हूँ। तो एक कोल लेने के बाद है ना मैं आपसे मिलता हूँ, थोड़ा नीचे लेवल पे चलते हैं। तो सबसे पहले है ना मैं देखता हूँ मैं कौन से कोऑर्डिनेट पे, 55 पे हूँ ना वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं ना थोड़ा नीचे चल के आपसे मिलता हूँ, तो पहले है ना ये कलेक्ट कर लेता हूँ। Few inches later. तो गाइस आप लोग देख सकते हो मुझे ना यहाँ पे एक ऑसोलट दिख रही है, पता नहीं ये ऑसोलट यहाँ पे कर क्या रहा है। मैं ना अभी नीचे जा रहा था और मुझे यहाँ पे दिखा, ओके भाई डैमेज मिला। और यहाँ पे ना मैं थोड़े बहुत टॉर्च लगा देता हूँ, बस है ना मॉब नहीं दिख जाए मेरे को। ओके, कॉपर भी दिख रहा है, अरे हाँ मैं यार भूल गया था, ये 1.17 है, तो यहाँ पे कॉपर वॉपर भी मिलेगा। हालांकि इसका है ना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन मैं थोड़े बहुत ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, इतने काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मेरे को ऑसोलट दिखा ना, येलो कलर का दिखा, तो अभी कहाँ पे, यहीं पे दिखा था यार, एक्चुअली आपको भी दिखा होगा, बट शायद से नीचे चला गया यहाँ से। तो मैं ऊपर से आया था ना, मुझे याद रखना मैं, ओके नाइट हो रहा है यार शायद से, ओके शायद से नाइट हो रहा है। तो मैं अपने कोऑर्डिनेट याद रखता हूँ, तो मेरे कोऑर्डिनेट 32 है और 210 और तो 682 है। तो ओके देख सकते हो यहाँ पे ऑसोलट है। तो मुझे ना नीचे लेवल पे जाना है माइन करने के लिए, तभी मेरे को कुछ मिल पाएगा एपिक एपिक चीज़। तो आराम से चलते हैं, और यहाँ पे भी टॉर्च लगा देते हैं, और पीछे भी टॉर्च लगा देते हैं।
तो अगर आप देख सकते हो मुझे ना फाइनली थोड़ा सा गोल्ड मिला है। एक्चुअली गोल्ड की मुझे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं, पता नहीं क्या काम है आएगा गोल्ड का, मैं ज़्यादा वैसे भी यूज़ नहीं करता। आयरन, डायमंड और रेड स्टोन मिल जाता ना तो कुछ मैं रेड स्टोन के फार्म भी बनाता हूँ। जावा में बहुत ही ईजीली बन जाते हैं, आपको तो पता है बहुत सारे ड्यूपर बनते हैं, तो कारपेट ड्यूपर वो सब बन सकते हैं। तो बस मुझे ना थोड़े से रेड स्टोन मिल जाते तो काफ़ी सही होता, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ एक ऑटोमेटिक फूड का भी फार्म बनाऊँ, तो यहाँ से देखते हैं। तो मैं है ना हर जगह को एक्सप्लोर करता, पूरा तो एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा लेकिन जितना हो सके करते हैं। और यहाँ पे आयरन मिल रहा है, आयरन को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, आयरन पूरा लूँगा। और यहाँ पे लावा दिख रहा है, तो जहाँ पे लावा दिखता है वहाँ पे है ना डायमंड होते हैं, लेकिन मेरा कोऑर्डिनेट क्या है मैं पहले चेक करता हूँ। तो अभी 18 कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे तो शायद से मिलेगा नहीं। एक काम करता हूँ, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ पहले पूरा का पूरा, क्योंकि रिक्स नहीं चाहिए मेरे को। और यहाँ पे देख सकते हो ये 1.17 के ब्लॉक्स भी दिख रहे हैं। 6.5 hours later तो गाइस काफ़ी देर से माइन करने के बाद हमको ना फाइनली एक रेड स्टोन तो मिल गया, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। इससे ना मुझे ऑटोमेटिक फार्म्स बनाने हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था। तो इसको भी कलेक्ट करते हैं। डायमंड तो फिलहाल नहीं मिला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं आया था वो मिल चुका है। इससे मैं ऑटोमेटिक फूड फार्म बना सकता हूँ, जिससे विलेजर से मैं ट्रेड करूँगा। ज़्यादा नहीं मुझे ना 15 मतलब मिल जाए ना, ओके 15 से ज़्यादा मिल चुका है बहुत सही। तो मैं ना तो भी थोड़ा बहुत माइन करने वाला हूँ, और भी मुझे कुछ मिलते हैं काफ़ी सही। और ये जो नए ब्लॉक आए हैं इससे भी मैं फार्म बना सकता हूँ। एक्चुअली फार्म में लगाऊंगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो इसको फाइनली मैं ऊपर मतलब पूरा का पूरा कर लेता हूँ। तो मैं बहुत देर से माइन कर रहा हूँ, बट इतना अच्छा लक नहीं है कि हमको डायमंड मिलेगा। तो कोई बात नहीं, जितना होता है उससे ही काम चलाते हैं। और चलिए थोड़ा बहुत मैं माइन करता हूँ। ओके तो हमको फिर से यहाँ पे मिल चुका है रेडस्टोन। तो रेडस्टोन है ना मैं थोड़ा बहुत एक बार में कलेक्ट करके जाने वाला हूँ, ताकि है ना हमको फ्यूचर में काम ना पड़े, क्योंकि इसमें ना रेडस्टोन का बहुत ज़रूरत होता है जावा में। आपको पता हो क्या मस्त मस्त फार्म बनते हैं रेडस्टोन से, डुप्लीकेटर भी बनते हैं, तो वो सब देखेंगे। लेकिन उसके लिए ना स्लाइम की ज़रूरत पड़ता है, तो स्लाइम नहीं है मेरे पास एक्चुअली, तो उसको भी देखते हैं मैं फटाफट। और यहाँ से मैं कलेक्ट करता हूँ। ओके कितना अंधेरा है भाई यहाँ पे। ओके हाँ लेफ्ट हैंड में टॉर्च, ओके डायनामिक्स वो लाइट का इफेक्ट चालू करना पड़ता है, जो कि मैंने अभी चालू नहीं किया, उसको बाद में कर देंगे। तो सबसे पहले अब है ना कोई और डायरेक्शन में चल के देखता हूँ मैं। One eternity later. तो गाइस मैं ना माइन से बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि है ना वहाँ पे हमको कुछ मिल नहीं रहा, हमारा लक ही ज़्यादा ख़राब है। तो एक्चुअली मैं इतना टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहा, और ऊपर से मॉब आ रहे हैं, और ये कंट्रोल को मुझे यूज़ करना इतना अच्छे से आता नहीं है। तो मैं ना मतलब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कि क्या पता कि मेरे ऑलरेडी 2-3 बार मर चुका हूँ, इसलिए ना मैंने सोचा कि वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोलर को इतना यूज़ करना मुझे अच्छे से आता नहीं है। तो ये थोड़ा सा रिस्की होगा अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ। तो इन सबको मैं रख लेता। ओके इनको है ना मुझे स्मेल्ट करना है फिलहाल, तो इसको रख लेते हैं। उसके बाद है ना किस किस को, इसको रखते हैं, और कोल को भी रख देते हैं, और ये जो ब्लॉक्स लाए इसको रख देते हैं, क्योंकि है ना मेरे को ये कंट्रोल को यूज़ करना आता नहीं है ना इतने अच्छे से, तो जॉम्बी से मैं या फिर क्रीपर से फाइट नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो उनको अभी इग्नोर करते। तो एक काम करते, मैं यहाँ पे ना और ये बना सकता हूँ, कहाँ गए भाई, और इसको बना के एक निकालते, तभी है ना फर्नेस बनेगा ना, ज़्यादा फर्नेस रहेंगे तो ज़्यादा जल्दी काम होगा। तो इसके अंदर है ना मैं इसको रख देता हूँ, रॉक ऑपर को, तो रॉक ऑपर को रख दिया। और इसको ना जलाने के लिए सामान भी चाहिए। तो हम इसमें काफ़ी सही से प्रोग्रेस कर रहे हैं, और देख सकते हो यहाँ पे सारे विलेजर जमा हो चुके हैं। आयरन गोलम को स्पॉन करो भाई, 10-20 नहीं और भी ज़्यादा स्पॉन करो, एक्चुअली कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। और मुझे तो सिर्फ इससे ट्रेड करना है ये वाले बंदे से, तो इसने अभी अभी अपना थोड़ा सा कम किया है। तो एक काम करते इसको अनलॉक करते, ये कब डायमंड के चीज़ें देगा मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब भी देगा जल्दी दे। और यहाँ पे इतने सारे हैं, इन सबको भी मुझे ना कुछ काम देना पड़ेगा। तो ये बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सही है, चलो कोई बात नहीं। अब है ना मैं यहाँ से कुछ और चीज़ें भी करता हूँ, जैसे एक्चुअली लेकिन मेरे को है ना इतना आइडिया नहीं कि मुझे करना कैसे। तो एक काम करते, देखो नया विलेज ढूंढना चाहिए शायद मेरे को, लेकिन इतना भी मेरे को जल्दी जल्दी काम नहीं करना चाहिए, आराम आराम से। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऑटोमेटिक फार्म बना दूँ, ऑटोमेटिक वीट फार्म या फिर ऑटोमेटिक कैरेट, तो आई गेस ये विलेज में नहीं है, तो पोटेटो या वीट फार्म बना पाऊँगा। तो आप लोग कमेंट बताना आप कौन सा फार्म देखना चाहते हो। मैं तो सोच कोई भी बना दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक के अंदर ही सब उगा सकता हूँ एकदम ऑटोमेटिक, बहुत ही सिंपल वाला जावा का। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे पोटेटो अवेलेबल, ओके कैरेट है यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ ये कैरेट पोटेटो सब लेता हूँ। ये विलेजर तो एक साथ सब उगाते हैं, काफ़ी सही चीज़ है, तो इनको मैं रखता हूँ बैकअप के लिए, कहीं विलेजर खुद तोड़ के ना रख ले। तो मैं ना इन सबको कलेक्ट करके रख लेता हूँ अपने इन्वेंट्री में, ताकि है ना ये सेफ रहे, क्या पता विलेजर तोड़ के रख ले तो बाद में मिले ना। तो मैं ना एक काम करता हूँ कैरेट को रखता हूँ और पोटेटो को रखता हूँ, बहुत सही। तो नेक्स्ट वीडियो में ना हम एक ऑटोमेटिक फार्म बनाएंगे, फूड फार्म, तो आप कमेंट बताना आपको कौन सा देखना है। तो है ना मैं इसको भी स्मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ, और इसको मैं निकालता हूँ बाहर। तो ये हम कुछ और भी बना सकते हैं, चलो बहुत सही चीज़ है। ओके तो एक और नाइट हो चुका है माइनक्राफ्ट के अंदर। सब प्रॉब्लम क्या आएगा इस, तो कंट्रोलर को मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मुझे अलग अलग बटन क्लिक करना है, मेरे को मारना भी होता है ना, तो मैं स्वॉर्ड को पकड़ के ना डायरेक्ट हिट नहीं कर सकता एक्चुअली।
तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं ना यहाँ पे स्वॉर्ड को पकड़ के डायरेक्ट हिट नहीं कर सकता, ऐसे क्राउच हो जा रहा है बार बार। अब मेरे को ना PRI दबाना पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कॉम्बैट में। तो ये है ना, आदत लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको तो मैं सीख लूँगा। अभी है ना देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे आयरन है, तो आयरन का है ना मैं शेयर बना सकता हूँ और शिप को है ना ओके हाँ ये एक सही चीज़ है। मैं ना थोड़े बहुत शिप कलेक्ट करके उनसे ऊल निकाल के बेड बना सकता हूँ, ताकि विलेजर है ना बहुत जल्दी जल्दी ब्रीड करे। तो यहाँ से ओके ये रहा हमारा शेयर, तो फटाफट मैं एक शेयर बना लेता हूँ। तो वो शिप को तो मैं बाद में शेयर कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे कहाँ फेंका रहा है, कलेक्ट हो जा। और उसके बाद है ना मैं बच्चे कुछ आयरन को रख लेता हूँ। तो अभी भी है ना मेरे को इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, समझना है, क्योंकि मुझे ना इतना अच्छे से प्ले करने आता नहीं, तो वो हम आगे कभी करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो गाइस चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।